राधे राधे बच्चों, आज हम बेटा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पर क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th और चैप्टर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं। तो पहला आपका एग्जांपल है बेटा एनसीईआरटी का, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। और अब क्या कह रहा है वो कि 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ क्या है स्ट्रीम और बोट की, हमें स्टिल वाटर में क्या निकालनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो बेटा आप ये समझो कि स्ट्रीम और स्टिल वाटर का मतलब क्या है। अगर पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो बोट जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी, अगर क्या नाम है जो है स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब बहाव है, तब उसमें बोट की स्पीड क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने बेटा क्या किया है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल्ड वाटर निकाल ली है। स्टिल वाटर को हमने सपोज कर दिया बेटा x किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, और अगर बहाव में दे रखी है स्पीड कितनी, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई। अब एक चीज और बताओ, डाउनस्ट्रीम का मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो कि पानी के बहाव की तरफ ही क्या नाम है नाव जा रही है, तो स्पीड बढ़ जाती है ना हमारी, यस और नो, तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, डाउनस्ट्रीम जो है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, मतलब ये दोनों मतलब एक्स और वाई जो हो जाएंगी वो एड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसी बहाव में तो बोट जा रही है, तो हमारी जो एक तो खुद की स्पीड जो होती है और जो स्टिल वाटर में, और एक जब बहाव लग रहा है तो एक उसकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम अपोजिट जा रहे हैं तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बल्कि स्पीड कम हो रही होगी, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, वो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर हो गई है। अब पहला केस जो यहां से लेके बेटा यहां तक कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि मैं इसके लिए टाइम निकालूं, तो टाइम बराबर में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा था 30 किलोमीटर, और ये किस में है बेटा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है, तो अपस्ट्रीम के लिए कितनी निकल के आएगी x माइनस वाई स्पीड, ये डाल दी पहली इक्वेशन। सिमिलरली टाइम 2 के लिए देख लो बेटा 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में है, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होती है स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 44 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। अब एक बार बताओ इन दोनों टाइमों को कितना समय लग रहा है, मतलब अपस्ट्रीम में जाने के लिए और डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है बेटा, 10 आवर्स लग रहे हैं, तो T1 प्लस T2 कर दिया मैंने, और किसके इक्वल रख दिया बेटा 10 के इक्वल रख दिया, तो T1 ये आ गई, T2 ये आ गई, बराबर में 10 लग दिया। सिमिलरली बिल्कुल सेम यहां से लेके और यहां तक जो है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, 40 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम है, तो 40 अपॉन में अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, प्लस में 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो ये x प्लस वाई आ रही है, और कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। x और y की वैल्यू आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं।